Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dear students, आज हम इस chapter का जो chapter number 4 है, gravitation, इसमें आज हम नया topic start करेंगे. Topic है gravitational force between small and big objects. हम देखेंगे इस लेक्चर में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एग्जिस्ट होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी और इट आल्सो एग्जिस्ट्स बिटवीन बिग ऑब्जेक्ट्स स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स स्मॉल बिग ऑब्जेक्ट्स एंड बिग बिग ऑब्जेक्ट्स. अब हम देखते हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे और बिग ऑब्जेक्ट्स पे यानी हम कैसे नोटिस करते हैं इसको, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका इफेक्ट देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस दुनिया में इस कायनात में ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को. एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये पहले न्यूटन ने ही देखा. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट इस कायनात में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स. इस फोर्स को जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, इसको ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशन फोर्स इसको हम कहते हैं. यहां पे मैंने ये नोट मेंशन किया कि आपको याद इसमें क्या रखना है. इफ द मैसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट्स का मास स्मॉल होगा, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली. अगर ऑब्जेक्ट्स का मास स्मॉल होगा, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत कम होता है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन वहां पे ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये आप नोट कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इसका मास स्मॉल होगा, इसकी हम एक एक्सप्रेशन भी हम इस पे करेंगे अभी तो, लेकिन पहले ये आप नोट कीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स का मास स्मॉल होगा, वो भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे यानी वो ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू स्टोन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड अट्रैक्ट ईच अदर, दो स्टोन्स ग्राउंड पे हैं तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. बट सिंस देयर मासेस आर स्मॉल, लेकिन इनका मास स्मॉल होता है, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज स्मॉल एंड हेंस वी डू नॉट सी वन स्टोन मूविंग टुवर्ड्स द अदर स्टोन. तो हम वहां पे नोटिस नहीं करते हैं, हम ये नहीं देखेंगे वहां पे कि एक स्टोन दूसरे स्टोन की तरफ जाती है, क्योंकि वहां पे उनका मास बहुत स्मॉल होता है,
और ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे स्मॉल होता है, मास स्मॉल ग्रेविटेशन फोर्स स्मॉल, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया कि ग्रेविटेशन फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे दो स्टून्स का मास स्मॉल है इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स भी स्मॉल होगा, इसीलिए एक स्टून दूसरे स्टून की तरफ नहीं जा सकती है। ठीक, तो इफ द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज वेरी बिग, अगर ऑब्जेक्ट्स का मास बिग होगा यानी बहुत ज्यादा होगा, देन द ग्रेविटेशन फोर्स बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, तो ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे बहुत ज्यादा होता है, एंड हेंस इट्स इफेक्ट कैन बी इजीली सीन, तो इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक एग्जाम्पल भी आप नोट कीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स का मास, एक ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल और दूसरे का बहुत बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे इस इफेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोन लाइंग एट हाइट एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सिंस द अर्थ हैज अ वेरी लार्ज मास, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, ड्यू टू विच व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड इट मूव्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये आपको याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टोन को लेंगे, ठीक है, इसको हम कुछ हाइट पे रखेंगे, ठीक, क्योंकि स्टोन का मास बहुत बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टोन, तो जो है हम इस स्टोन को एलो करेंगे इट विल गो टूवर्ड्स द अर्थ, इट विल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ बहुत है वहाँ पे, इसीलिए ये स्टोन जमीन की तरफ आती है। तो अब हम इसको एक एक्सप्रेशन के जरिए दिखाएंगे कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसको की मैथमेटिकल डेराइवेशन से प्रूव करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट्स का मास स्मॉल होता है वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी स्मॉल होता है। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लेट अस कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मैसेस 1 kg ईच, हम दो बॉल्स को कंसीडर करेंगे जिनका मास 1 kg है, यानी एक बॉल का भी मास 1 kg है और दूसरे बॉल का भी मास 1 kg है। लेट दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 meter अपार्ट, हम सपोज करेंगे कि इनकी जो आपस में जो डिस्टेंस है फ्रॉम वन अनदर वो 1 meter है, ठीक, देन दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर विद अ फोर्स गिवन एज, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स, उस फोर्स को हम मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पे नाम देंगे, कि आपको ये इक्वेशन मैंने कल भी बताया लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में, कि ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एफ इज ग्रेविटेशन फोर्स और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, एम वन इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, एम टू इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और जी का वैल्यू आपको पता है कि 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो एम वन चूंकि न्यूमेरिकल में ही इसका वैल्यू दिया है, एम वन इक्वल टू 1 kg, एम टू इक्वल टू 1 kg और आर इक्वल टू 1 meter, हम इन वैल्यूज का यानी 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और एम वन का भी और एम टू का भी और आर का वैल्यू भी हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे वी गेट एफ इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का मतलब है कि एम वन का भी वैल्यू 1 kg है और एम टू का भी वैल्यू 1 kg है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 है, ऊपर इसका स्क्वायर आया है आएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, एफ इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट एफ इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है इसीलिए हमने यहाँ पे एन लिया, एन रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, आप देखिए यहाँ पे 6.67 इंटू 10^-11 है,
तो माइनस अलाइनमेंट बहुत बहुत कम फोर्स है, तो इसका मतलब है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन नॉट कॉज एनी मोशन बिटवीन दीज बॉल्स। तो क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत कम है, वो 1 kg ही है, तो इसका इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, एक बाल दूसरी बाल की तरफ नहीं जाती है, या एक स्टून दूसरी स्टून की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, और मास कम होने की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है। तो ये हमने मैथमेटिकली यहाँ पे इसको प्रूव किया कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बहुत कम होगा। तो आज अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स लार्ज होंगे तो कई वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, और क्या वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन ए बॉल। हम देखेंगे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स एक बॉल पे या एक स्टून पे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक बॉल की। सपोज ए बॉल ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड। हम एक बॉल लेंगे, हम एक गेंद लेंगे, तो इसका जो ज़मीन पे है इसका मास 1 kg है। गिवन मास ऑफ अर्थ 16×10⁴ kg। ये आपको याद रखना है कि जो अर्थ है इसका मास 6×10⁴ kg है। आई रिपीट, मास ऑफ अर्थ इज 6×10⁴ kg। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4×10�³ किलोमीटर। यानी अर्थ का जो रेडियस है वह है 6.4×10�³ किलोमीटर। क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस है मीटर, हम इस किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में। 6.4×10³ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10³ से, यानी 1000 से, तो वी गेट 10³ यहाँ पे था। जब इसको हम और 10³ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 10⁶। वही यहाँ पे हमने लिया 6.4×10⁶ मीटर। यहाँ पे मैं और अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4×10³ किलोमीटर। क्योंकि किलोमीटर एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10³, वी गेट 6.4×10⁶ मीटर। तो जब और इस जी का वैल्यू है 6.67×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब हम इसको नहीं इसमें इसका वैल्यू हम इस न्यूमेरिकल में देते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू जी m1 m2/r². ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, F इक्वल टू जी m1 m2/r², ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसकी न्यूमेरिकल ही है। F इक्वल टू 6.67, ये हमने G का वैल्यू यहाँ पे दिया, और m का वैल्यू 1 है। m1 हम अर्थ देते हैं वो है 6×10⁴, m2 हमने बाल ही उसका मास 1 kg है, और r 6.4×10⁶ यहाँ पे 2 है। इसको हम दो बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो F इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये बहुत बड़ा फोर्स है। तो कितना ये फोर्स एग्जर्ट किया अर्थ ने एक बॉल पे, वह है 9.8 न्यूटन। F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। दस अर्थ एग्जर्ट्स ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन्स ऑन बॉल ऑफ मास 1 kg। ऑफ बॉल मास 1 kg, यानी बॉल का मास 1 kg है, उस पर अर्थ ने कितना फोर्स एग्जर्ट किया वो है 9.8 न्यूटन। दिस फोर्स इज क्वाइट लार्ज, ये फोर्स बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। एंड वेन द 1 kg बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, जब हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं जिसका मास 1 kg होगा कुछ हाइट से, इट फॉल्स टू द अर्थ एंड वी इजीली नोटिस इट। हम इजीली इसको नोटिस करते हैं कि एक स्टोन जमीन की तरफ आई बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर मास ज्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा, अगर मास कम ग्रेविटेशन फोर्स कम, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये जो ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कस किया यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे और लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केपलर्स प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।